ने 6 जनवरी 2021 को झालावाड़ पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया। परिवाद में पारू ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा झालावाड़पट्टनम में दर्ज करवाया, जिसकी एफआईआर संख्या 0389 है। प्रकरण के आरोपी क्रम संख्या 1 प्रशांत पाटनी, विक्रम संख्या 2 अभिषेक जैन पुत्र कैलाश चंद जैन निवासी दबलाना तहसील हिंडोली जिला बूंदी ने मुझे झालावाड़ जिले के तहसील झालावाड़पट्टनम के ग्राम मालीपुरा ग्रोथ सेंटर इंडस्ट्री एरिया में जिससे मेरे नाम रजिस्ट्री करवाई गई उससे एक खसरा संख्या 4/234 है, जो कि रजिस्ट्री में आरोपी पक्ष अपना बता रखा है, जबकि मैं उसका नहीं है और वहां ना ही उसके गांव में कहीं और मौजूद है। जबकि भौतिक वस्तु स्थिति अनुसार बेचे हुए प्लॉट नंबर 123 124 की मौका स्थिति खसरा नंबर 481/245 से आ रही है। उक्त खसरे की जमाबंदी में खातेदार का नाम लालचंद कुमावत है, जबकि इन प्लॉटों की रजिस्ट्री कच्चा 244/476/242/448/243/243/280/245 से करवाई गई है, जो मेरे साथ धोखाधड़ी कर मुझसे पैसे वसूल लिए गए। जब मैं जो प्लेट फ्लोट मैंने खरीदा था उस फ्लोट पर गई तो वह एक फ्लोट किसी दूसरे का नाम निकला और इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझसे पैसे ऐंठ लिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद भी झालावाड़पट्टनम थाने द्वारा आरोपियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। फरियादी पारों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाए और मुझे मेरा हक दिलवाया जाए।